नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIAEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को रोचक तरीके से समझा व दोहरा सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी क्लास में और अपने स्कूल में इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की पाठ्यपुस्तक कलरव से पंच परमेश्वर पाठ को लेकर आए हैं। इस पाठ को हम अपने नवाचार शब्दों का वर्ड कप, जी हां शब्दों का वर्ड कप से समझने का प्रयास करेंगे। इस नवाचार में शब्दों के वर्ड कप क्रिकेट खेला जाता है और बच्चों को खेल खेल के माध्यम से इस पाठ के बारे में जानकारी दी जाती है और उनका पुनरुद्धयन कराया जाता है। बच्चों को इसमें यह भी समझाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे न्याय पंचायत के बारे में समझें, शब्दों के अर्थ के बारे में समझें और तत्सव तद्भव शब्द के बारे में समझें। इस नवाचार को करने से पहले बच्चों को सबसे पहले ये बता देते हैं कि आज हम खेल खेलने वाले हैं। जब भी बच्चों को ऐसा कहा जाता है तो बच्चों के दिमाग पर जो प्रेशर है, जो बोझ है, वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद जब प्रेशर और बोझ कम हो जाए तो आप बच्चों को जो भी समझाएंगे वो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बहुत टेंशन रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो जब उनसे खेल खेलने के लिए कहा जाए तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ सामने आते हैं, और जब भी बच्चों को खेल खिलाया जाए वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी क्रम में बच्चों को शब्दों का वर्ड कप जो हमारा नवाचार है उससे संबंधित कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि इस खेल को खेलने के लिए हम सबसे पहले दो टीमें बनाएंगे। दो टीमें बनाने के साथ साथ इस खेल को हम क्लास में या फिर हम क्लास के बाहर कहीं भी खेल सकते हैं। इस खेल में दो जो टीमें होंगी तो एक टीम बॉलिंग करेगी और एक टीम बैटिंग करेगी। बैटिंग करने वाली टीम जो है वो शब्दों की एक गेंद होगी जिसको कि कैच करेगी, और कैच करने के बाद उसमें जो सवाल लिखा होगा उसका आंसर देने के बाद उसको एक रन दिया जाएगा, और लगातार तीन प्रश्नों के उत्तर या फिर तीन प्रश्नों के उत्तर ना देने पर खिलाड़ी आउट हो जाएगा, और अंत में जिस भी टीम के सबसे ज्यादा रन होंगे वो विजेता घोषित की जाएगी। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। वो आवश्यक सामग्री ये है कि हमें चौक चाहिए है, हमें शब्दों का एक बॉल चाहिए है जिसमें कि शब्द लिखे हों, और शिक्षक ये सुनिश्चित करेंगे उनको कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं उसके क्वेश्चंस को वो अपने पर्ची में लिख लें ताकि बच्चों को वो दे सके। और शिक्षक एक चीज का और ध्यान रखें कि आप जब भी इस खेल को खिलाएं तो बच्चों को अगर कोई परेशानी हो तो उसको स्वयं आप आगे आके हल करें। अब इस खेल की प्रक्रिया में हम जाते हैं। इस खेल की प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चों से कहा जाता है कि आपको हम टॉस फेंकेंगे, और टॉस फेंकने के साथ साथ हम बच्चों को यह भी बताते हैं कि अब आप पाठ के नाम तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए हम टॉस फेंकते हैं, टॉस फेंकने के साथ साथ दोनों टीमों के कप्तानों को बुलाने के बाद टॉस फेंकते हैं, टॉस फेंकने के बाद बच्चों से पूछते हैं कि बताओ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच में कैसी मित्रता थी। तो बच्चे, जिस भी बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया उसको टॉस का विजेता घोषित किया जाता है। गाड़ी मित्रता, जवाब यह है, जिस बच्चे ने आंसर दिया उसकी टीम पहली बैटिंग करेगी, और बैटिंग करने के साथ साथ यहां पर हम मैच को शुरू करते हैं। तो एक टीम मैच बैटिंग कर रही है, दूसरी टीम बॉलिंग करेगी, और जो टीम बॉलिंग करती है सामने वाली टीम का जो खिलाड़ी है वो खेल रहा है, बॉल फेंकी जाती है शब्दों की, उसको कैच किया जाता है, कैच करने का उसको खोल के देखा जाता है कि उसमें क्या नाम लिखा है या क्या क्वेश्चन लिखा है। तो बच्चे उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जुम्मन शेख की पत्नी का नाम क्या था। बच्चे को अगर आंसर पता है तो उसका आंसर देगा कमरीन, तो उसकी टीम को एक रन दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलगू चौधरी ने अपने बैल को किसको भेजा, फिर क्वेश्चन खोल के देखेंगे और उसका आंसर देंगे कि समझू साहू को। अगर आंसर सही है, और बच्चों से पूछ सकते हैं कि आंसर सही है, सही बच्चे जवाब देंगे हाँ सर सही है, तो उस टीम को, उस बच्चे को एक रन दे दिया जाएगा। शिक्षक जो भी सवाल बच्चों से पूछना चाहते हैं उस पाठ से संबंधित, उस कहानी से संबंधित, वो क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेंगे और उन्हीं को शब्दों की उस गेंद में
रख देंगे, जिससे कि बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और रोचकता के साथ उसका आंसर देंगे और आंसर देने के बाद उनको एक रन प्राप्त होगा। शिक्षक यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि यहां पर एक रन के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा और दो रन के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा। जैसे कि दो रन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जायदाद जो है उसको और क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा। तो बच्चों को अगर आंसर पता है तो वो उसका जवाब देंगे। जैसे कि संपत्ति भी कहा जाता है, अगर आंसर सही दिया तो उसको दो रन दिए जाएंगे। इसी प्रकार अब बच्चों को और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मोहर लगाना क्या होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है। मोहर लगाना यानी पक्का होना, बात पक्की होना। इसी प्रकार और भी शब्दों को शिक्षक बच्चों से पूछ सकते हैं इस शब्दों को वर्ल्ड कप गेम के माध्यम से, और बच्चों को शब्दार्थ, तत्सम, तद्भव और कहानी के और भी क्वेश्चंस के आंसर बच्चों से पूछे जा सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन बच्चों से हम पूछ सकते हैं, जैसे कि खाला मां को कौन ताने देता था, तो आंसर आएगा कि जुम्मन सिंह की पत्नी कामनी। अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में पंच परमेश्वर कौन था या पंचायत का प्रमुख कौन था, तो आंसर अगर बच्चे को पता है तो वो सामने वाली टीम का खिलाड़ी आंसर देगा कि सर इसमें जो पंचायत का प्रमुख था उसका नाम था जुम्मन सिंह। अगला क्वेश्चन होगा कि क्या अलगू चौधरी को डर लग रहा था कि यहां पर प्रमुख को जुम्मन सिंह बना दिया गया है, तो आंसर होगा हां। क्यों लग रहा था, क्योंकि अलगू चौधरी ने उसी स्थान पर बैठकर जुम्मन सिंह के विरोध में पंचायत का निर्णय सुनाया था, न्याय पंचायत का निर्णय सुनाया था। यहां पर बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं कि ये न्याय पंचायत है जो कि समस्त न्याय जो प्रणाली है उसको लागू की जाती है गांव में। गांव परिवेश में एक पंचायत होती है, जिस पंचायत में अगर कोई समस्या है गांव के किसी लोगों को तो वो अपनी बात को पंचायत को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और पंचायत का निर्णय होगा उसको सर्वमान करके उनको मान लेना पड़ता है। इस प्रकार से शब्दों का वर्ल्ड कप में जिस भी टीम के सबसे ज्यादा रन होंगे उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है, और सभी बच्चों के साथ उनको पुरस्कार के रूप में या तो फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है उस टीम को, या फिर उनके लिए तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। और इससे बच्चों के अंदर एक उत्साह उत्पन्न होता है कि आज हमारी टीम मैच जीती है और हो सकता है कल तुम्हारी जीते, या हारने का बच्चे कहते हैं कि आज तो हम हार गए लेकिन कल हम अच्छी तैयारी करके आएंगे जिससे कि हमारी टीम जीते। बच्चों को पुनरध्ययन कराने के लिए यह नवाचार बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप लाते रहेंगे। ZIAEI की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।